पंजाब की अदालत ने 70 किलो चूरा पोस्त के मामले में आरोपी संदीप वासी भूलन पंजाब को 15 साल की सजा सुनाई थी। पटियाला जेल में ये बंद था। इसके खिलाफ पंजाब की अदालत में अफीम का मामला भी विचाराधीन है। 8 सप्ताह के पैरोल पर यह बाहर आया था। बाहर आते ही नशे के धंधे में सक्रिय हो गया, पुनः जेल नहीं पहुंचा। अप्रैल 2021 में एंटी नारकोटिक सेल ने गुमथला गढ़ू के पास से क्रेटा कार सवार से 1 किलो 40 ग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले में बेचने वाले आरोपी तस्कर संदीप वासी भूलन पंजाब का नाम उजागर हुआ था। इस आरोपी को अपराध शाखा 1 की पुलिस टीम ने 1 साल 5 माह बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी ली है। इस मामले में अपराध अन्वेषण शाखा 1 के प्रभारी मलकीत सिंह ने बताया कि अप्रैल 2021 में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने पिहोवा के गुमथला गढ़ू के पास से कैथल की तरफ से आ रहे क्रेटा कार सवार बलदेव पुत्र देशराज वासी चौसाला कैथल को काबू कर 1 किलो 40 ग्राम अफीम बरामद की थी। पकड़े गए आरोपी ने अफीम के मामले में तस्कर संदीप वासी भूलन पंजाब का नाम उजागर किया था। इस अफीम के मामले में थाना सदर पिहोवा में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को इस तस्कर की काफी समय से तलाश थी। पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने फीडबैक लेते हुए इस मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा 1 को सौंपी। कप्तान के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। टीम में सब इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह चट्टा, एएसआई कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रवीण शक्ति, जयपाल सचिन को शामिल किया गया। टीम ने पंजाब में दस्तक दी। मामले को खंगाला गया। तस्कर संदीप को पंजाब में वर्ष 2013 में थाना गग्गा पुलिस ने 70 किलो चूरा पोस्त सहित पकड़ा था। एक अन्य पंजाब थाना पुलिस ने इस आरोपी को अफीम सहित पकड़ा था। ये मामला अभी विचाराधीन है। पंजाब की अदालत ने 70 किलो चूरा पोस्त के मामले में दोषी पाए जाने पर 15 साल की सजा सुनाई थी। ये आरोपी पटियाला जेल में बंद था। संदीप 8 सप्ताह के पैरोल पर बाहर आया था। 18 अप्रैल 2021 को जेल पटियाला वापस जाना था। पुनः नशे के धंधे में सक्रिय हो गया। आरोपी संदीप फरार हो गया। इसे पंजाब स्टेट के 2 थानों की पुलिस पकड़ नहीं सकी। फरार तस्कर पंजाब छोड़कर अन्य स्थान पर छुपकर रहने लगा। कुरुक्षेत्र पुलिस को विस्तृत तलाश थी। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने अनेकों एरिया में दस्तक दी। इसी दौरान जानकारी मिल गई, इस आरोपी ने हरियाणा के जिला कैथल के कस्बा सीवन में ठिकाना बनाया हुआ है। मामले की पुख्ता जानकारी मिलते ही टीम ने कस्बा सीवन की ओर रुख किया। गहन पड़ताल की गई, इस टीम ने मामला सही पाया। पता चला अफीम तस्कर पंजाब पटियाला जेल से पैरोल पर आरोपी संदीप किराए पर रह रहा है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने आरोपी तस्कर को गिरफ्त में ले लिया। इस मामले में पंजाब पुलिस को भी अवगत कराया गया है। आरोपी संदीप को पिहोवा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की आगामी जांच जारी है। खबरनामा हरियाणा के लिए क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।